पहली वीडियो ब्रेकिंग इटली के ज्वालामुखी विस्फोट की खबर से जुड़ी हुई। इटली के स्टॉम्बोली ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से स्टॉम्बोली द्वीप पर दहशत, समंदर में समाता जा रहा है ज्वालामुखी का लावा। धमाके के बाद धुएं के गुबार से भरा आसमान। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट। इटली में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश। बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, देहरादून के गुच्छ पानी में फंसे 10 लोग। फ्लैश फ्लड की वजह से गुच्छ पानी में फंसे लोग, एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। देहरादून के गुच्छ पानी की तस्वीरें जहां पर लोग फंस गए, फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद गुच्छ पानी के ये हालात। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड। पहाड़ों से सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टाने, भारी बारिश से जोशीमठ में लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। हाईवे बंद हो गया इस मलबे की वजह से, मलबे को हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ये जबरदस्त लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा बाढ़ बाधित हो गया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, भारी बारिश के बाद महोबा मंडी में पानी भरा, किसानों की लाखों की मूंगफली पानी में बही। बारिश से कई टन मूंगफली बर्बाद हो गई। तो बारिश की मार, भारी बारिश की वजह से महोबा मंडी का यह हाल हो गया। यहां पानी भर गया और लाखों की मूंगफली पानी में बह गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ, बारिश की वजह से कई टन मूंगफली बर्बाद हो गई। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, असम में बारिश और बाढ़ का कहर। असम के दुलिया जान में कई फीट पानी भर गया, जान जोखिम में डालकर जानवरों को बचाया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर, खतरा उठाकर अपने मवेशियों को बचा रहे हैं। यहाँ कई फीट पानी भर गया आसपास के इलाकों में। दुलिया जान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, असम की तस्वीरें हैं। असम में बाढ़ और बारिश के बाद ये हाल। और छठी वीडियो ब्रेकिंग गाजियाबाद से, जहां पर दो कॉलोनियों में पानी भर गया। गंग नहर का बांध टूटने से कॉलोनियों में पानी भर गया, राहत बचाव कार्य में जुटी है प्रशासन की टीम। नीचे उतर जाएं। तो ये तस्वीरें आपको हम गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए गंग नहर का बांध टूटने के बाद कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर पानी भर गया, राहत और बचाव का कार्य जारी है। प्रशासन की टीम लगातार यहां पर जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इन कॉलोनियों से पानी की निकासी का जो काम है वो पूरा हो सके। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की। पीछे हो जाए, इधर आ जाना। अरे इधर हट जा। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूपी के इटावा में बारिश के बाद जलभराव, पानी के बीच अंडरपास में फंस गई एम्बुलेंस। मरीज को दूसरे एम्बुलेंस से फिर भेजा गया अस्पताल। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन के हुबेई प्रांत में बाढ़ का कहर। कई जगहों पर बाढ़ से पहुंचा 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और अब नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन के प्योंग इलाके से, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है।
मूसलाधार बारिश के बाद पूर्वी चीन में पानी भर गया है। लैंगसिंगडन द्वीप पर पानी में डूब गया मंदिर, 10 फीट तक पानी में डूबा पगोड़ा और मंदिर। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण कोरिया में मरीजों ने निकाली है रैली। सियोल में डॉक्टर्स के वॉकआउट के खिलाफ यह रैली है। डॉक्टर्स से वॉकआउट खत्म करने की मांग की जा रही। कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ी। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, बेरिल तूफान से जमैका में भारी तबाही। जमैका के सेंट विंसेंट में कई घर क्षतिग्रस्त। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। जमैका में तूफान बेरिल से 6 लोगों की मौत। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, जमैका के बाद मैक्सिको पहुंचा बेरिल तूफान। मैक्सिको में तूफान को लेकर अलर्ट जारी। समुद्र तट से लोगों को दूर रहने की चेतावनी। कैरेबियाई देशों में तूफान से हुई भारी तबाही। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, सिसली में माउंट एटना ज्वालामुखी फिर सक्रिय। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बहता हुआ लावा। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने जारी किया येलो अलर्ट।